भारत देश के सर्वोच्च संवैधानिक राष्ट्रपति पद पर आसीन द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में बुधवार को सांसद भवन से बाहर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी के द्वारा जिस प्रकार से अमर्यादित और अपमानजनक शब्दावली का प्रयोग किया गया था, इससे आहत और आक्रोशित अधिवक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी विविध प्रकोष्ठ माध्यम प्रदेश के प्रदेश सह संयोजक देवेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में पुलिस थाना सिटी कोतवाली पहुंचकर अधीर रंजन चौधरी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के संबंध में एक शिकायत पत्र और उनके प्रेस वक्तव्य की सीडी प्रस्तुत कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। बता दें कि इसके पश्चात ही बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर लोकसभा अध्यक्ष के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि इस प्रकार की शब्दावली का उपयोग करने वाले लोकसभा सदस्य की सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए। जी बताइए। देश के राष्ट्रपति महामहिम देश के प्रथम नागरिक माने जाते हैं और भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है राष्ट्रपति का, और ऐसा सर्वोच्च पद के लिए अपमानजनक रूप से जो टिप्पणी की गई है वो भी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता के द्वारा, ये माना ही नहीं जा सकता कि उनके इस बात का ज्ञान नहीं है कि सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है और राष्ट्रपति जैसा कोई शब्द या पद भारत पर इसमें क्रिएट नहीं है। ऐसी स्थिति में जानबूझकर एक मजाकिया अंदाज में और एक अति सम्मानित पद पर बैठी हुई आसीन महिला जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं और उनके प्रति अपमान दर्शाने के लिए, उनका मजाक उड़ाने के लिए, उनके प्रति अमर्यादित और असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए उनके द्वारा उन्हें राष्ट्रपति का संबोधन कहा गया, यहाँ तक कि मीडियाकर्मी के द्वारा उनके इस शब्द को परिवर्तित करने के लिए उनको सजेस्ट भी किया गया कि भाई राष्ट्रपति कही है, तो बोला नहीं, राष्ट्रपति पूरे देश के राष्ट्रपति है। तो इस प्रकार का जो उनके द्वारा शब्द प्रयोग किया गया ऐसे महामहिम के प्रति, वो निश्चित ही पूरे देश के लिए, खासतौर पर महिलाओं के लिए और अनुसूचित जनजाति के करोड़ों भाई बहनों के प्रति जो अपमान का ये भाव था उनके मन में, अधीर रंजन चौधरी जी के मन में, उसको लेके खंडवा से हम लोगों ने शिकायत करी है, ज्ञापन दे रहे हैं। हम लोकसभा के अध्यक्ष को भी ज्ञापन भेज रहे हैं इस संबंध में कि जिनको इस बात का ज्ञान ना हो ऐसे माननीय सदस्य को लोकसभा की सदस्यता से भी उनको हटा दिया जाना चाहिए और उनके खिलाफ में उचित कार्रवाई की जाना चाहिए। थाना कोतवाली खंडवा में हमने शिकायत दी है प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कि उनके खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज की जाए, कार्रवाई की जाए।